In this video, we will learn about the solution of NCERT. Exercise question number 8 of chapter 11, Work, Energy and Power from class 9th. The question says, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? Means, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि आप एक ह्यूज रॉक को क्या कर रहे हैं पुश, इस केस में क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा? और अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता तो जो एनर्जी है आपकी वो कहाँ स्पेंड हो रही है? चलिए अब हम आंसर समझते हैं। देखिए, जब आप इस रॉक को पुश कर रहे होते हैं तो आप मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं। इस मस्कुलर एनर्जी की वजह से क्या रॉक मोशन करता है? नहीं, इसका मतलब देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक। अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। तो फिर ये एनर्जी गई कहाँ? तो आपकी मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर हीट एनर्जी में, इसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और आप एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर लिख लेते हैं। When a person pushes a huge rock but fails to move it, then no energy is transferred to the rock from the person, as there is no motion of rock. It means there is no gain of kinetic energy in it. तो एनर्जी हमारी कहाँ गई? वो भी लिख लेते हैं। The muscular energy of the person transformed into heat energy, and the person's body get heated. Thus, it exhausts him. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।